सर डर है, डर के साथ काम करना भी ज़रूरी था। अभी सबको हमारी ज़रूरत है और कोशिश करेंगे हम जितने लोगों की मदद कर सके हम करते रहेंगे। सर चिंता भी होती है, डर भी होता है, लेकिन अगर हम डरेंगे तो काम कौन करेगा? तो हमें अपने इसी डर को अपनी हिम्मत बना के काम करना है, क्योंकि जिस स्पीड से इन्फेक्शन फैल रहा है, अगर उसी स्पीड से हम कोई अपना काम नहीं करेंगे तो शायद ये नहीं रुक पाएगा। सर बिजनेस की बात अलग है, बट अगर हम देश के काम आ सकें तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। सर डर लगता है, लेकिन ऐसे समय की घड़ी में ऐसे काम करने में ऐसा फीलिंग होता है कि जैसे हमने कुछ अचीव किया है, अच्छा लगता है। मेरी फैमिली ने मुझे काम करने से बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन मैंने उनको समझाया जिस तरह हमारे देश की पुलिस और आर्मी देश की लड़ाई में अपने कदम पीछे नहीं हटा रही है, आज मैं भी मेडिकल फील्ड में होकर भी मैं अपने कदम कैसे पीछे हटा लूँ। सर सोचते थे कि इतना रिस्की काम नहीं करना है, लेकिन फिर ख्याल आया कि जब सोल्जर अपना काम प्रॉपरली अपने डट के कर रहे हैं तो हम तो मेडिकल लाइन से तो अपने कदम पीछे क्यों रखें? अगर मैं कदम पीछे रखता तो मैं अपने नज़रे अपने आप से नहीं मिला पाता कि मेरे पास एक मौका था और मैं वो मौका गवा दिया। घर वालों ने थोड़ा सपोर्ट नहीं किया इस चीज़ में, उन्होंने बोला कि नहीं तू अभी इतना मत कर, लेकिन हम मेडिकल वर्कर हैं तो हमें तो करना ही पड़ेगा और हमें सब कंटिन्यू करना पड़ेगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमसे रेगुलरली टेस्ट करवाते हैं और इस कोरोना की महामारी से जो उनके मुश्किलें आ पड़ी हैं और उनसे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है टेस्ट करवाने में, और इस टाइम अगर हम उनका साथ नहीं देंगे, उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा होगा। आपको स्वस्थ देखना चाहते हैं हम। वी आर हेल्थियंस हेल्थियंस हेल्थियंस।